नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ के जानकीपुरम में सुसाइड का एक मामला था जिसमें मृतक ने सुसाइड नोट में चार लोगों पर सीधे तौर पर आरोप लगाए थे। एस के श्रीवास्तव, मोबिन नरेंद्र, संतोष शुक्ला का नाम इस लेटर में लिखा हुआ था। मृतक ने चारों को सुसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मोबिन खान से 10 लाख रुपए 20% ब्याज पर लिया था। ब्याज वापस नहीं कर पाने पर वो प्रताड़ित किया करता था। नरेंद्र सिंह ने प्लॉट का एग्रीमेंट कराया, रजिस्ट्री नहीं कराई। संतोष नरेंद्र सिंह मारने की धमकी दिया करते थे, ये कहना था मृतक का। ये लेटर में तमाम बातें लिख करके सुसाइड किया है। और साथ ही आपको बता दें कि इन चारों के मोबाइल नंबर्स भी हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद के 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें दोनों डिप्टी सीएम सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि एमएलसी प्रत्याशी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा हुई है। हालांकि जो फाइनल मुहर है वो केंद्र सरकार की ओर से लगाई जाएगी, माफ कीजिएगा, केंद्रीय नेतृत्व की ओर से लगाई जाएगी, लेकिन सूबे में भी आम सहमति बनना जरूरी है। प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में कोर कमेटी की बैठक 5KD पर चल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में अध्यक्षता कर रहे थे। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। संगठन से तमाम और नेता थे। स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। खासकर जो बैठक को लेकर दो बड़े मुद्दे थे, एक तो उत्तर प्रदेश में भाजपा का नया चेहरा अध्यक्ष का कौन होगा, क्या OBC के हाथ में कमांड सौंपी जाएगी, ये कौन वो नेता होगा जो 2024 को नया पार लगाएगी भाजपा का, और हालात वर्तमान में अगर देखा जाए तो दो जो सीटों पर MLC के चुनाव होने वाले हैं उस पर मंथन भी होना था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो कौन से नाम होंगे जिनको भाजपा प्रत्याशी बनाएगी। कपिल संध्याद के साथ अनूप सिंह, जनता TV, लखनऊ। धर्मनगरी चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन करने जा रही है जो कि 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जारी रहने वाला है। प्रशिक्षण वर्ग शिविर कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों को लेकर पार्टी और संगठन के लोगों ने चित्रकूट जनपद में ही अपना डेरा जमा लिया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रशिक्षण वर्ग शिविर सीतापुर के बिंदी राम होटल में आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम सहित प्रदेश के 19 कैबिनेट मंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही बीजेपी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल समेत प्रदेश कमेटी के 40 पदाधिकारी भी शिविर का हिस्सा होंगे। तो राजधानी लखनऊ में प्रशासन की ओर से जारी हालिया आदेश के अनुसार अब यूपी में सार्वजनिक जगहों जैसे कि पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर विद्यालय के समय में किसी भी छात्र और छात्रा को विद्यालय के यूनिफॉर्म में एंट्री नहीं मिलेगी। इस संबंध में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने समीक्षा बैठक करी। बैठक में विभागीय कार्यों की जानकारी देने के लिए अधिकारियों का अमला भी मौजूद था। इस दौरान मंत्री कौशल विकास ने विभाग की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। सुनिए। शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री कपिल देव जी मेरे साथ में हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे इसमें? अपने मिशन में यानी कौशल विकास विभाग के अंदर हमने उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान के सब अपने ट्रेनिंग पार्टनर्स बुलाए हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे विभाग में काम करते हैं। हमारा विभाग इन सबको टारगेट देने का काम करता है। डिफेंस सेक्टर में ये लोग ट्रेनिंग देने का काम करते हैं और युवाओं को रोजगार से जोड़ करके प्रशिक्षण करने के बाद रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर काम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो हमारे पार्टनर्स हैं जिनको ट्रेनिंग पार्टनर बोलते हैं, ऐसे सबको हमने 3 सेक्टर के अंदर बुलाया। एक फेस हमारी मीटिंग हो चुकी, उसके बाद हमारे DU GK VY के लोग होते हैं जो एक तरीके से रेजिडेंशियल क्लासेस चलाते हैं। फ्लेक्सी पार्टनर्स हमारे होते हैं जो डिफरेंट टाइप की कंपनियां अपने टाइप का प्रशिक्षण देने के बाद उनको रोजगार से जोड़ने का काम करती हैं। तो हमने इनको जो टारगेट दिए उसकी समीक्षा, इनकी कोई दिक्कतें उनको सुनने की जिम्मेदारी हमारी है।
कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन में, इनरोलमेंट में, पेमेंट में कोई दिक्कत आती है वो सुनने के लिए और वन टू वन करके बातचीत करके ताकि तेज़ी से डिपार्टमेंट हमारा काम करे, हम तेज़ी से आगे बढ़ सकें, ये हमने किया। इसके साथ हमारा आईटीआई में, आईटीआई को हमारा डेवलप करने के लिए हमारा टाटा से हमारा हो रहा है, एमओयू साइन हो रहा है, 50 आईटीआई को हमारा डेवलप कर रहा है और सारी आईटीआई को डेवलप करने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का टारगेट हमारा है कि टाटा हमारे साथ लगाएगा। उसके अतिरिक्त हमने माध्यमिक शिक्षा के साथ अपना एमओयू साइन किया है तो पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th ऐसे पढ़ाई करने के साथ साथ उनको हम स्किल करने का काम करें पढ़ाई के साथ साथ, ऐसा मिला करके अभी हम बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया है ताकि जो बच्चे एक्चुअल में प्रेजेंस हैं उन्हीं की हाजिर लगे, भेलो बच्चे आए उन्हीं का ही प्रशिक्षण हो, ऐसा हमारा टारगेट है। सर योजनाएँ तो काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, धरातल पर लाने के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? अब लगे आपके सामने कोशिश कर रहे हैं, धरातल पहले भी है और तेज़ी से काम कर रहे हैं, हम ड्रोन में काम कर रहे हैं, एविएशन में हम काम कर रहे हैं, हम सौर ऊर्जा में काम कर रहे हैं, प्लम्बिंग में हम काम कर रहे हैं, हम होटल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, हम हॉस्पिटलिटी में काम कर रहे हैं, यह अपार संभावनाएं हैं। और साथ साथ हम लैंग्वेज भी सिखाने का काम कर रहे हैं ताकि अगर विदेशों के अंदर युवाओं को जाने की इच्छा होती है या वहाँ से डिमांड आती है तो उसको भी हम भेजने का काम करें। तो ये कपिल देव अग्रवाल जी थे, कौशल विकास मंत्री, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि योजनाएं हैं उनको धरातल पे भी लाया जाएगा और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो इनरोलमेंट हो रहे हैं और जो लोग निष्कर्ष हैं उनको वहां से हटा करके जो कार्य है उसको प्रगति पर रखा जाए। कैमरा पर्सन रियाज के साथ मैं अशरफ सरार, जनता टीवी, लखनऊ। प्रदेश के मुरादाबाद में आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हुए थे। कोर्ट से बाहर निकलने के वक्त आजम खान ने पत्रकारों से काफी लंबी बातचीत की है। इस दौरान आजम खान ने ओपी राजभर के भाजपा के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को खत्म करने के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि उसे कोई खत्म कर देगा, समाजवादी पार्टी एक बड़ी विचारधारा है जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। साथ ही इस दौरान आजम खान ने कई अन्य विषयों पर भी अपनी राय साझा की है। समाजवादी पार्टी ने सब ठेके ले रखे हैं, श्रीलंका में है समाजवादी पार्टी, वोट तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को मिला विपक्ष के तौर पर, यार सरकार तो नहीं बनी दोस्त है? जो जीता वो सिकंदर, तो सिकंदर तो हम हुए नहीं, बंदर हो गए। देखो कभी रामपुर कोर्ट में, कभी मुरादाबाद में, कभी बम्बई में, कभी लखनऊ में, कभी फिरोजाबाद में, मदारी के बंदर हो गए हम। ऐसा कुछ नहीं है, इसके पीछे ऐसी कोई बात नहीं, कोई वजह ना हो, कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग मुलजिम हैं। तो जहाँ 10-12 लोग होते हैं तो किसी ना किसी का स्वास्थ्य कोई और कारण हो जाता, उस वजह से उपस्थित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उपस्थित ना होने के पीछे कोई वजह हो या कोई स्ट्रेटेजी, ऐसा कुछ नहीं। सराफा व्यापारियों से शुद्धिकरण के नाम पर 1 करोड़ के चांदी और सोना लेकर फरार चौक के रहने वाले अमित अग्रवाल को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने उसके पास से 116 किलो चांदी, 425 ग्राम सोना बरामद किया, साथ ही 1,04,000 कैश भी मिला है। कमिश्नर लखनऊ डी के ठाकुर ने बताया कि चौक के ही 5 सराफा कारोबारियों ने अमित पर चांदी गबन करने का आरोप लगाकर पिछली 19 जुलाई को मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल बरामद चांदी और सोने की कीमत 1 करोड़ के आसपास आकी गई है। जो चौक में जो बरामदगी हुई है और हमारे डीसीपी साहब, डीसीपी पश्चिमी के नेतृत्व में टीम ने जो कार्य किया है वो बहुत ही अभूतपूर्व सफलता है, उल्लेखनीय उपलब्धि है। खासकर इन्होंने जो जेवर की बरामदगी की है चांदी और सोने की, उसका मूल्य करीब 1 करोड़ रुपये है। और ये 1 करोड़ रुपये मूल्य की बरामदगी की बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि चौक एरिया में जो सर्राफे का सबसे ज़्यादा काम होता है और सर्राफा व्यापारियों के साथ जो धोखाधड़ी का कार्रवाई हुई थी उसको हमारी टीम ने झांसी, दतिया, गुड़गांव सब जगह संपर्क करके शीघ्रातिशीघ्र खुलासा किया। इसके अलावा इनके पास से कैश भी 1,04,000 रुपये नकद बरामद हुआ है। अभी तक जो इनसे पूछताछ हुई इनका ये कहना है कि हमारा काम ये था कि चांदी हम लोग लेते थे, रिफाइन करके रिफाइन चांदी देते थे, कि मेरे बिजनेस में घाटा होने लगा था, मेरे ऊपर अपने जो व्यापारी बंधु थे उनका बहुत सारा बकाया रह गया था, उस बकाया को वापस देने के लिए हमने ये फ्रॉड किया था और हमें ये विश्वास था कि हमें पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। लखनऊ की चौक पुलिस ने आज एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया जो करीब 1 करोड़ से ज्यादा की चांदी और सोने के जेवरात लेकर फरार हुआ था। हमारे साथ बात करने के लिए अश्विनप्पा जी हैं जो डीसीपी हैं पश्चिम के। सर किस तरह की गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से ये माल लेकर गया जो कारोबारियों से? थाना चौक के अंतर्गत अमित अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति ने बहुत सारे सराफा व्यवसायियों का माल लेकर गायब हुआ था
इसी संबंध में थाना चौक के अंतर्गत 5 अभियोग पंजीकृत किया गया था। हमारे टीम को आज सफलता मिली हुई है। अभियुक्त अमित अग्रवाल गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 75 लाख रुपए का जो लगभग 1 क्विंटल जो चांदी बरामद हुई है, साथ ही साथ 425 ग्राम का जो सोना लगभग 25 लाख रुपए का कीमत है वो बरामद है और उनके पास से 1,04,000 रुपए भी बरामद हुआ है। अभियुक्त अमित अग्रवाल को माननीय न्यायालय के सामने आज पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें अन्य इन्वॉल्व लोगों का व्यक्तियों के बारे में भी छानबीन किया जा रहा है। जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनका भी गिरफ्तार किया जाएगा, माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। सर, जो कारोबारी हैं जिन्होंने इनको सोना या चांदी दिया था वो किस बिना पर दिया था और कितनी तादाद है जो ये कारोबारी हैं जिन्होंने अपना सामान दिया था? जो ये रिफाइनरी काम चलता है तो रिफाइनरी का जो रिफाइन करने के लिए इन्होंने माल दिया था, कच्चा माल दे के रिफाइंड माल लेते हैं, उसी संदर्भ में उनको दिया था तो उन्होंने इन लोगों का माल को लेके यहाँ से गायब हो गया था। इसी संदर्भ में इन्होंने बहुत सारे व्यापारियों ने मुकदमा दर्ज किए थे, मुकदमा दर्ज के उसी के आधार पर हमारी टीम आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। सर, ये चौक के अलावा क्या किसी और थाने में भी मुकदमा है? नहीं, अभी यही चौक में ही लिखा गया। थैंक यू। तो देखिए, ये चौक पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है, अमित अग्रवाल नाम है इनका और इनके पास से करीब 100 किलो से ज्यादा की चांदी बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि और भी जो बाकी की चांदी है उसको लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने कहां वो छुपा रखी है, लेकिन एक बड़ी कामयाबी पुलिस के जरूर हाथ लगी है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक कदवी, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद की महिला नेत्री साध्वी प्राची को जान से मारने की मिली धमकी के बाद आज वो सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंची। मुलाकात के दौरान साध्वी प्राची ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तानी भाषा में लिखा हुआ धमकी भरा पत्र साध्वी प्राची को मिला था, जिसे भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा को दी गई धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। 21 जुलाई को सुबह हमारे आश्रम पर एक लेटर मिला है और उसमें जान से मारने की, जो कि पाकिस्तानी भाषा पास्तो भाषा में लेटर है। कांग्रेस मुख्यालय में 9 अगस्त से प्रस्तावित भारत जोड़ो अभियान को लेकर देहरादून जनपद की तैयारियां और इसके लिए बैठक भी आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चक्राता विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की। बैठक में देहरादून के विधायक, पूर्व विधायक, पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रीतम सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कार्यक्रम जारी किया गया है, उसकी तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। वहीं हमारी कोशिश है कि जनपद में 75 किलोमीटर यात्रा होनी है तो उसमें हर घर को छूने का हम लक्ष्य रखें और उसकी कोशिश भी करें। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। हमीरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। मौके से 10 बने और अर्धनिर्मित असलहे हुए बरामद। लखनऊ के विकासनगर में गंदे पानी का प्रकोप। गंदा पानी पीने से 100 से ज्यादा लोग हुए बीमार। बच्चों सहित कई लोगों की हालत गंभीर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। उधम सिंह नगर में जीएसटी के विरोध में लामबंद हुए व्यापारी। रुद्रपुर के बिदवानी मार्केट में व्यापारियों ने जताया विरोध। काले फीते बांधकर कार्रवाई के विरोध में की नारेबाजी। अयोध्या में अवैध नियुक्ति में शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश मामले में बढ़ा विवाद। अयोध्या शहर के फोबोस इंटरनेशनल कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल खान ने जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजा शिकायती पत्र। पत्र में रखी अपनी मांग। आगरा के बाढ़ में बारिश के चलते कच्चे मकान की छत धड़ाम से गिरी। नीचे बैठे 2 बच्चे हुए चोटिल। बड़ा हादसा टला। सीलन के चलते हुआ हादसा, हजारों का नुकसान। औरैया में आजादी के अमृत महोत्सव। जिले में उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 के तहत कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में लाभार्थियों को बांटे गए प्रमाण पत्र। अमेठी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 7 चोरियों का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने एक साथ खुलासा करते हुए चोरी के सामान के साथ 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से 12 बोर का अवैध तमंचा और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद। मथुरा में बीते दिन हुई 1 घंटे की लगातार बारिश ने किया हर तरफ पानी पानी। थाने में भी अंदर तक भरा पानी। हर बरसात में होता है थाने का यही हाल। संभल में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों का जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन। किसानों ने मुरादाबाद आगरा हाईवे पर ट्रैफिक किया जाम। छुट्टा पशुओं से निजात। राशन वितरण में धांधली। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। लखीमपुर खीरी में सदर विधायक योगेश वर्मा का लिलोटी नाथ मंदिर में हुआ विवाद। मंदिर परिसर में मोटरसाइकिल स्टैंड के नाम पर हो रही अवैध वसूली से भड़के सदर विधायक। मंदिर के पुजारी की ओर से संचालित किया जा रहा था अवैध पार्किंग स्टैंड।
अपराध नियंत्रण की दिशा में कासगंज पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। सोशल मीडिया साइट पर संघ कार्यकर्ताओं का जिंदा दफनाने की धमकी देने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर समीर सिद्दीकी नाम के आरोपी ने दी थी धमकी। ललितपुर में आपने बढ़ती महंगाई के विरोध में नारेबाजी कर निकाली रैली। खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी के विरोध में किया प्रदर्शन। भाजपा को पूंजीपतियों की सरकार बताते हुए लगाए गंभीर आरोप। राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर महंगाई पर रोक लगाने की करी मांग। सीतापुर में बीती 20 जुलाई को व्यापारियों से लूट का पुलिस ने किया खुलासा। लूट में शामिल 5 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से लूटी गई रकम के साथ ही आधा दर्जन तमंचे और कारतूस भी बरामद। नोएडा में हथियार लहराते हुए एक युवक का वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। सेक्टर 51 होशियारपुर का बताया जा रहा है वीडियो। बेखौफ युवक खुलेआम लहरा रहा है बंदूक। मैनपुरी कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 2013 बैच के 12 पुलिसकर्मियों को मिली पदोन्नति। एसपी ने 3 स्टॉल लगाकर दी बधाई। अलग अलग जगहों पर तैनात एसएसआई और पुलिसकर्मियों को पदोन्नति कर 3 स्टार लगाए गए। बरेली में बीजेपी नेता शेर अली जाफरी के बारात घर पर गर्जा बुलडोजर। ग्रीन बेल्ट में बने अवैध बारात घर। खुसरो लॉन के खिलाफ हुई कार्रवाई। बीडीए बीसी जोगेंद्र सिंह लगातार कर रहे हैं कार्रवाई। आगरा में ट्रैफिक होमगार्ड की वसूली के चलते घायल हुई महिला। बैटरी रिक्शा की चाबी खींचने के दौरान संतुलन बिगड़ा। रिक्शे पर बैठी बुजुर्ग महिला हुई घायल। लखनऊ के अंबेडकर पार्क से हाथी की मूर्ति हुई चोरी। 1090 चौराहे पर फवारे के नीचे लगी थी मूर्ति। सुरक्षा में तैनात नियाज अहमद ने कराया मुकदमा। गौतमपल्ली थाने में एफआईआर हुई है दर्ज। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर करी आत्महत्या। परिवार में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में 1 घंटे की बारिश में ही सारे रोड धराशायी। लोगों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। नगर निगम की लापरवाही के चलते एक ही बारिश में रोड नीचे धंसी। सहारनपुर में ग्राम प्रधानों की समस्याओं के निराकरण के लिए नई दृष्टि नया युग। ग्राम प्रधान संगठन का गठन करते हुए ग्राम प्रधान संजय वालिया को चुना गया अध्यक्ष। बैठक में ग्राम प्रधानों ने अधिकारियों की ओर से किए जा रहे उत्पीड़न पर उठाई आवाज। गाजीपुर में फरार बदमाश ने एसपी ऑफिस पहुंचकर किया सरेंडर। गले में माफी की गुहार की लगी तख्ती के साथ किया आत्मसमर्पण। लूट के मामले में चल रहा था फरार। बदमाश ने कभी अपराध न करने की खाई कसम। आगरा में कारगिल शहीद के घर पर हुए लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने लूट करने वाले दोनों शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। भेजा जेल। बदमाशों के पास से नकदी और लाखों के जेवरात बरामद। अयोध्या में भी बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी के छात्र विंग ने शहर के सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में कार्यकर्ताओं ने दिया धरना प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष विकास वर्मा की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन। हाथों में तख्ती लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर करी नारेबाजी। आगरा में पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। वाहन चोर गिरोह यूपी से गाड़ी चुराकर बिहार में करता था सप्लाई। पुलिस ने इस गैंग के 5 बदमाशों को भी किया गिरफ्तार।